एक चीज ध्यान रखिएगा, इस माइलेज टेस्ट में एक भी सिटी कंडीशन शामिल नहीं है, लेकिन जो कंडीशन शामिल है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पहाड़ी है, चढ़ना है, जहां बाइक पर जोर भी लगता है, गियर शिफ्ट भी करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं कि गियर। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे पास एक ऐसी मोटरसाइकिल आ गई है जो कि भारतीय परिवेश में बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखती है, और ये पेशकश आई है होंडा की तरफ से, 100cc शाइन है। और आज क्या करने वाला हूं, मैं इसे चला के माइलेज टेस्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा डिस्टेंस कवर करूं, 30-35 किलोमीटर। इसके बाद में फिर इसमें पूरा टैंक भरवाऊं, क्योंकि अभी पूरा टैंक मैंने क्या किया है, फुल करवा लिया है, और निकलूंगा और इसके बाद में दोबारा देखूंगा कितना फ्यूल इसमें आता है और आपको एक माइलेज देने की कोशिश करूंगा। और जो जगह है जहां पर बाइक चलाने जा रहा हूं, जो सिचुएशन है वो समझिएगा, ये थोड़ा पहाड़ी नुमा रास्ता है, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, थोड़ा घुमावदार रास्ते हैं, तो कंसिस्टेंट स्पीड नहीं आने वाली है। जो स्पीड होगी 35-40 या 50 के आसपास में मैं कहीं पर टच करूंगा, और उस आधार पर आपको माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा कि मुझे कितना माइलेज मिला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो शुरुआत की है इसको चलाने की बाइक, तो मेरा मीटर था 113, अभी वहीं पे 113 से शुरू किया है, और कोशिश करता हूँ इसमें 30-35 किलोमीटर ऐड करता हूँ, फिर जानने की कोशिश करता हूँ कितना माइलेज दिया है। आपको बता दूँ जो इसमें इंजन लगा है, लगभग 98cc का इंजन है, जो कि 7 BHP की शक्ति देता है, 8 Nm का टॉर्क निकलता है इससे, 99 kg की मोटरसाइकिल है, सीट हाइट अच्छी है, मतलब दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। चलिए थोड़ा आगे निकलते हैं और फिर देखते हैं क्या ये कहानी कहती है। तो जहाँ पर मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं, हालांकि गियर शिफ्टिंग बहुत नहीं करनी पड़ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है इस मोटरसाइकिल की। बट चढ़ाई है, फिर उतरना है, फिर चढ़ाई है, फिर उतरना है, फिर घुमावदार रास्ते हैं, तो ओवरऑल जो सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, थोड़े से स्पीड ब्रेकर हैं, तो चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर बनी है। और मैं इसी सिटी में इसे चलाने आया हूँ, यहाँ पर मैं इसको चला के जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया क्या माइलेज देगी। तो इकोनॉमी रेंज जो इसकी है ना, उसको पूरी तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 40 से 50 के बीच में मैं इस मोटरसाइकिल को रख रहा हूँ और घूमते हुए इन खूबसूरत जगहों से। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस माइलेज टेस्ट में एक भी सिटी कंडीशन शामिल नहीं है, लेकिन जो कंडीशन शामिल है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पहाड़ी है, चढ़ना है, जहाँ बाइक पर जोर भी लगता है, गियर शिफ्ट भी करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं कि गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गियर भी शिफ्ट करना है। और आपको अगर आप इकोनॉमी रेंज में, ये देखिए बना हुआ है यहाँ पर, इकोनॉमी रेंज में रहते हैं तो उसके बाद भी ये माइलेज जो सामने आएगा वो एक बात तो अपनी रखेगा, कम से कम पता चल जाएगा कि अगर आप लगातार अपनी मोटरसाइकिल को किसी ऐसी जगह पर चला रहे हो जहाँ पर खाली रास्ते हैं और आप स्पीड फॉलो कर रहे हो 40 से 50, तो क्या कुछ देखे जाएगी, ये तो आपको 100% पता चलने वाला है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि आपको तुरंत मुड़ना होता है, तुरंत कहीं और जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रास्ते में बनी हुई है। जो सिचुएशन है, मतलब क्योंकि ये सिटी है, एम्बेबली सिटी, बाहर जाने, क्योंकि बाइक रजिस्टर्ड नहीं है तो हम बाहर जा नहीं सकते हैं, तो भैया चलाना पूरा इसे है, यहीं पर है तो चढ़ाना। तो ये जो माइलेज, आप ये भी सोच सकते हो कि ये जो माइलेज अभी आपको मिलेगा, ये माइलेज आपको एग्जैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि सिटी कंडीशन नहीं है। तो क्या हुआ, रास्ते में चढ़ाई तो है, घुमावदार रास्ते तो हैं जहाँ पर आपको शिफ्ट करना है, जहाँ बार बार आपको ब्रेकिंग करनी है, कई जगह पर आपको, हालांकि ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट जो कर रहा हूँ वो मतलब इस इंजन को जो है स्ट्रेस दे रहा है, तो यहाँ पर तनाव के साथ में मतलब चढ़ना है। अगर आप सीधे रास्ते पर भागते हैं तो आप ऐसे अनुमान लगाइए, अगर कहीं पर आपको मैदानी रास्ते पर भागने को कहा जाए तो आप दूर तक दौड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई एलिवेशन मिल जाए कि आपको चढ़ना है, जैसे फ्लाईओवर पे आप रनिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग रनिंग करते होंगे तो इस बात को वेरीफाई कर पाएंगे कि अगर रनिंग करते हैं चढ़ाई आ जाती है तो उन पर कितना, उनके शरीर पर कितना जोर पड़ता है, वैसे ही समझिएगा इस इंजन के साथ में, इस इंजन पर क्या दबाव आ रहा होगा जब हम उतर नहीं रहे हैं, जब हम चढ़ रहे हैं। जो टॉप स्पीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं इसे भगा नहीं रहा हूँ मोटरसाइकिल को, लिटरली मैं सिर्फ इसे चला रहा हूँ, देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंजन इसे कहाँ तक सपोर्ट करता है, ये कहाँ तक जा सकती है, माइलेज कितना निकल सकता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ।
जो और चीजें बताऊंगा चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, वो सब जिक्र करूंगा भैया मैं अपने रिव्यू में। तो रिव्यू वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हम काफी कुछ अलग चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर पिकअप का भी चर्चा किया जाएगा और ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस होता है मोटरसाइकिल का, वो भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर तो सिर्फ चले जा रहा हूँ मैं, चलते चलते सिटी को घूमते हुए क्या माइलेज आएगा, यानी कि मैं जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि होंडा ने तो कुछ क्लेम किया नहीं माइलेज, बट जो बाइक का रिफाइनमेंट है वो बता रहा है कि सच में माइलेज आपको बेहतरीन मिल सकता है। और ये जो देश है अपना बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर पैसा सबको बचाना है और मैं जरूरत भी है कि भैया बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं, तो हर तरह के लोग, हर तबके के लोग इस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं और वो उनके लिए मैटर करता है माइलेज, और ये माइलेज क्या देगी यही मैं भी जानना चाहता हूं और आप भी जानना चाह रहे हैं। तो चलिए भैया चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे आपको आपके लिए माइलेज में चला के मतलब मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और मेहनत सफल तब होगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इस मोटरसाइकिल का टेस्ट राइड लेने जाएंगे, डिलीवरी इसकी मई से शुरू हो रही है, और वहां पर आप बताएंगे कि जो मैंने वीडियो बनाया था इसके आधार आपने अपनी बाइक खरीदी है ना, तो आपने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊँ। और एक जगह पे जब बाइक घुमा रहे होते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके पास सीधी सड़क होती है तो मज़ा भी आता चलाने में, एक ही जगह घुमा रहे हो तो लगता है बोरियत भी आने लगती है, बट मैं फिर भी अपनी मेहनत जारी रखूंगा और कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं वो माइलेज जो आप जानना चाहते हैं इस बाइक के जरिए। तो मतलब 140 किलोमीटर अब पार कर रहे हैं, मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तो वहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे लगता है कि यस ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर मैं बाइक को चला चुका हूँ, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, अभी थोड़ा 10 किलोमीटर और चलाऊंगा, इसके बाद में फिर मैं देखता हूँ क्या माइलेज आया है। और ये इकोनॉमी रेंज देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, तो जो रेंज मैं फॉलो कर रहा हूँ ना वो है इकोनॉमी रेंज, तो ये जो माइलेज मिलने वाला है इसमें थोड़ा मोड़ा होगा, जहां पर मैंने सिर्फ 60 को कभी कभार पार किया है, बट 60 पार किया नहीं है मैंने, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस मोटरसाइकिल को इकोनॉमी रेंज में कोई चलाए, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, जैसा आप करोगे वही आप पाओगे, जो आप बोओगे वही आप पाओगे। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूं जैसा आप चलाओगे वही आपको मिलने वाला है, डिपेंड करता है माइलेज उस पर जैसा आप बाइक को चलाते हो, गाड़ी को चलाते हो। तो भैया चलिए थोड़ा और चलाते हैं, फिर आपको बताते हैं कितना माइलेज मेरी इस मोटरसाइकिल ने मुझे निकाल कर दिया है। 150 किलोमीटर इस पर अंकित हो चुका है और यही मेरा टारगेट था, मैं चाहता था कि लगभग 40-42 किलोमीटर चलाऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टेंस और बचा हुआ है पहुंचने में। तो अब मैं सीधे प्रस्थान करता हूं, जहां पर मैं दोबारा इसका टैंक फुल करवाऊंगा, और ये किसी पेट्रोल पंप पे नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जिस शहर में हूं मैं, जहां पर मैं चला रहा हूं, यहां की जो स्पीड लिमिट है वो 40 की है और पेट्रोल पंप है नहीं, तो ये लोग अपना लेके आए हुए हैं, क्योंकि होंडा वाले, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें दोबारा भरें और हम देखें कि कितना माइलेज हमें इस साइकिल निकाल कर दिया है। इकोनॉमी रेंज में इस मोटरसाइकिल को मैंने माइलेज टेस्ट किया है और मुझे लगता है कि ना ये वो वाला माइलेज टेस्ट होगा जो सबको मिलेगा, और मैं श्योर हूं कि ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा, क्योंकि जिस कंडीशन को मैंने फॉलो किया, हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन उसकी कमी पूरी कर दी है, जो चढ़ाई है ना और बार बार आपको मुड़ना पड़ रहा है, आप कहीं पर टर्न ले रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, बार बार ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट माइलेज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कितना माइलेज इसने दिया है नहीं पता मुझे, चलिए भरवाते हैं दोबारा पूरा टैंक और इसके बाद में जानते हैं इसने मुझे कितना माइलेज निकाल कर दिया है। तो भैया अगर आप कोई मोटरसाइकिल इकोनॉमी रेंज में चलाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, लगभग 39 किलोमीटर चलाया था इस मोटरसाइकिल को, शाइन 100 को, और यहाँ पर जो मुझे माइलेज मिला देखिए इतना डाल चुका हूँ, ऑलमोस्ट 500 मतलब 500 ml इसके अंदर गया है, इसका मतलब हो गया जो मुझे माइलेज मिल रहा है लगभग 78 का माइलेज इसने इकोनॉमी रेंज में निकाल के दिया है। ये जो कंडीशन थी राइडिंग की वो भी बता दूँ आपको, तो चढ़ाई भी थी, मुड़ना भी था, ब्रेकिंग भी था, स्पीड ब्रेकर भी था, बस मिसिंग था सिटी ट्रैफिक। लेकिन अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें वो कमियां पूरी कर देंगी और ये मोटरसाइकिल 100% आपको भर भर के माइलेज देगी। डिपेंड करता है आप राइड कैसे करते हैं, ये परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपके रोजमर्रे के काम करवा देगी। अगर आपकी नई नई नौकरी लगी है, फर्स्ट जॉब में हो, या आप सेल्स वगैरह में हो और आप एक बाइक खरीद कर पैसा कमाना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कैसा लगा हमारा माइलेज टेस्ट कमेंट करके जरूर बताना, सॉरी
खुले पेट्रोल को डालना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर हैं हम यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं है और यहाँ पर ये लोग राइड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से फ्यूल भर रहे हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है कमेंट करने की।